हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज ये लास्ट वीडियो हो सकती है बार्सिलोना ट्रांसफ़र के बारे में। तो बार्सिलोना ने अबामयांग को साइन किया है लास्ट डेडलाइन डे में। एंड उस्मान डेम्बेले का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हो गया, वो बार्सिलोना में स्टे हो गया है। तो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, अबामयांग के बारे में बात करते हैं एंड उसके बाद उस्मान डेम्बेले के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करो। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की वीडियो में दो तीन ऐसी चीज़ें हैं बार्सिलोना के बारे में बात करते हैं, बार्सिलोना के ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। तो दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दो तीन टॉपिक्स हैं इस वीडियो में। तो दो तीन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि बार्सिलोना क्या चाहती थी कि लास्ट डेट में बार्सिलोना क्या चाहती थी कि क्या हो जाए। तो बार्सिलोना चाहती कि उस्मान डेम्बेले आउट हो जाए एंड कोई स्ट्राइकर साइन करे पहले। तो स्ट्राइकर चाहिए था बार्सिलोना को। तो बार्सिलोना अबामयांग के साथ लिंक थे। बार्सिलोना से पहले मोराटा के साथ लिंक थे, बट मोराटा का नहीं हो गया। लास्ट डेडलाइन डे में बार्सिलोना अबामयांग के साथ लिंक थे। तो बार्सिलोना ने लपोर्टा ने बहुत कोशिश किया अबामयांग के साइन करने में। तो सबसे पहले उस्मान डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो उस्मान डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना ने पिछले दो तीन मैचेस में उसको नहीं खिलाया है। जावी ने कहा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते हो तो आपको हम बार्सिलोना में नहीं खेलोगे आप तो बार्सिलोना में। तो इसलिए वो बेंच पर बैठा है एंड बार्सिलोना चाहते थे कि वो आउट हो जाए, वो चला जाए यहाँ से। तो बार्सिलोना उसको सेल करने वाली थी, बट उसका पहले यूनाइटेड के साथ लिंक आ रहा था, फिर उसके बाद चेल्सी के साथ, पीएसजी के साथ उसका लिंक आ रहा था एंड सबसे लास्ट में स्पर्स के साथ उनका लिंक आ रहा था उस्मान डेम्बेले का, बट किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया। एंड वो अभी बार्सिलोना में स्टे करेगा एंड इस सीज़न के लास्ट में एंड ऑफ द सीज़न में वो चला जाएगा एज अ फ्री एजेंट। अगर वो चला जाता है या फिर शायद हो सकता है कि फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है, तो या हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे। तो इसके बाद अबामयांग के बारे में बात करते हैं। तो अबामयांग ने बार्सिलोना ज्वाइन किया है एंड बार्सिलोना सबसे पहले बात ये आ रही थी कि अबामयांग लोन मूव आ रहा है, लोन डील है उसका बार्सिलोना के साथ 6 मंथ के लिए आ रहा है। एंड अर्सेनल के साथ उसका अभी भी 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो 6 मंथ के लिए लोन पर आ रहे हैं, ये बातें हो रही थी। तो पहले तो ये बातें हो रही थी, उसके बाद जब अबामयांग आया तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि बार्सिलोना ने उसको फ्री एजेंट उसको साइन किया। फ्री एजेंट कैसे साइन किया, अबामयांग एंड अर्सेनल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अर्सेनल ने टर्मिनेट किया, उसको ख़त्म किया। एंड वहाँ पर अर्सेनल 25 मिलियन के अराउंड पाउंड या यूरो कमाता था वहाँ पर। एंड यहाँ पर आकर उसने बहुत सा सैलरी कट लेकर वो वहाँ पर जो पैसे कमा रहा था उसको छोड़कर यहाँ पर बार्सिलोना में आ गया है एंड यहाँ पर उसने पे कट लेकर बार्सिलोना ज्वाइन किया है। तो अबामयांग का कॉन्ट्रैक्ट एज अ फ्री एजेंट आया है, तो बार्सिलोना में इसका कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ एंड 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं कि या 3 या 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ एंड 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। अबामयांग के स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस जिस तरह उसका अभी लेवल था, जिसका जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर ऑफ फ्लॉप होकर बार्सिलोना में आ रहा है, तो उसका अगर आप स्टेट देखो, अभी उसने 15 गेम्स खेलकर 7 गोल्स हैं एंड 2 असिस्ट हैं उसके इस सीज़न में। इसका जो फ्लॉप हैं, फ्लॉप जो जिसको कह सकते हो कि उसका जो परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, वो पिछले 2-3 महीनों से उसका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है। पहले तो एक स्टार्टर था अर्सेनल में, एक मेन की मैन था, एक स्टार्टर था, एक कैप्टन था अर्सेनल में, तो वहाँ पर वो फ्लॉप नहीं है। फ्लॉप सिर्फ लास्ट की 2-3 मैचेस में हुआ है एंड उसके बाद लोग कहते हैं कि अबामयांग के साथ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सऊदी अरेबिया का एक कोई क्लब है जो अबामयांग के सारे पैसे जो उसका अपना सैलरी है वो सब कुछ देने के लिए तैयार थे अबामयांग के लिए, बट अबामयांग ने कहा कि नहीं, मुझे उसने ये सब कुछ चुकरा कर, सारे पैसे चुकरा कर बड़ा सा वेज कट लेकर बार्सिलोना ज्वाइन किया है, प्रूफ करने के लिए कि नहीं वो अभी भी हैं एंड वो बार्सिलोना, उसने बार्सिलोना ज्वाइन किया है। तो बार्सिलोना के लिए कैसा होगा, बार्सिलोना के लिए ये अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा कि बार्सिलोना के को एक स्ट्राइकर चाहिए था एंड स्ट्राइकर अबामयांग एक अच्छा स्ट्राइकर है, उसके पास स्पेस है, स्पीड है, फिनिशिंग है। तो अब जावी को एक नंबर 9 चाहिए था, तो नंबर 9 मिल गया है बार्सिलोना को। बार्सिलोना के पास जितने भी नंबर 9 हैं, आप लोग दियांग ले लो, ब्राटवेट इंजर्ड हैं, ब्राटवेट से भी अच्छा है मेरे ख्याल से अबामयांग अभी।
एंड जुगला है वो तो बर्सलोना का यंगस्टर न्यू नया है, तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अभी बर्सलोना को यूरोपा लीग भी खेलना है, तो उसके लिए बर्सलोना को एक नंबर नाइन चाहिए था, तो एक नंबर नाइन लेने के लिए अपामयांग ठीक है। एंड सर्जियो एग्वेरो था, तो सर्जियो एग्वेरो का रिप्लेसमेंट अपामयांग हो गया है, तो ये बेस्ट होगा बर्सलोना के लिए। तो ये अच्छा डील हो गया है, जावी ने अच्छा डील किया है, और यह आ गया है फेरान टोरेस, एंड बर्सलोना ने अभी अपामयांग को साइन किया है। तो ये तीन ट्रांसफ़र हो गए बर्सलोना में, तो ये बेस्ट रहेगी बर्सलोना में। अभी इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बर्सलोना के बेस्ट 11 बनाएंगे, एंड जावी के जो टैक्टिक्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं कि किस काम के लिए बर्सलोना ने जावी ने इन प्लेयर को साइन किया है, क्यों बर्सलोना एक लेफ्ट विंगर को चाहती थी, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। एंड मैं एक अभी एक जो है ना मैं थोड़ा सा टेक्टिकली एक ग्राउंड छोटा सा बनाने वाला हूँ बोर्ड पर, तो हम उस पर जो है ना टेक्टिकल एनालिसिस करेंगे, बड़े क्लब्स के भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं जावी का करूँगा, क्योंकि जावी ने अभी रिसेंटली अपनी जो पोजीशन है उसका जो लाइनअप है उसके लिए जो उसका प्लेइंग स्टाइल है उसके लिए जो प्लेयर साइन किए हैं, ख़ास बड़े क्लब्स तो मैनचेस्टर सिटी हैं बट उसके पास अपने प्लेयर हैं, एंड उसका भी करेंगे। सबसे पहले मैं करूँगा जावी का, क्योंकि जावी ने जो अपने प्लेइंग स्टाइल के लिए जो प्लेयर साइन किए हैं, अदम ट्राइवर है, उसके बाद फेरान टोरेस साइन किया है, एंड लास्ट में जो अपामयांग साइन किया है नंबर नाइन। तो अब देखते हैं, एंड ये बर्सलोना के लिए अच्छा होगा, एंड एक गुड डील है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये बर्सलोना के लिए एक अच्छा डील है, तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब के लिए बाय।